बिजनौर में एसआरएस मॉल के सामने बच्चों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में हो रहे एक्सीडेंट को लेकर थीम तैयार की गई थी। कार्यक्रम करने वाले बच्चों ने वो सभी कारण इस नाटक के माध्यम से बताए जो कि एक्सीडेंट की वजह होते हैं। कार्यक्रम में कार वालों से सीट बेल्ट लगाने और दो पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने का भी आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र मौजूद रहे। एसपी सिटी ने बताया कि शहर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नाटक के माध्यम से उन वजहों को दिखाया गया है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नाटक के माध्यम से ही सही लोग इस बात को समझ लें कि बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाए चार पहिया और दो पहिया वाहन चलाना कितना घातक सिद्ध हो रहा है। उन जनपदों में से है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट से लोगों की मृत्यु होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी क्षेत्राधिकारी यातायात ने एक नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के, जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करने के लिए जागरूक करने के लिए एक नाटक का आयोजन किया था और बच्चों ने वो सारी चीज़ें उसमें समाहित कर ली हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। निश्चित रूप से इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग और कराएंगे जिससे कि ये जो ट्रैफिक के प्रति है लोगों में और जागरूकता है, लोग हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएँ, मोबाइल का यूज़ ना करें, गाड़ी चलाते समय शराब पीकर वाहन ना चलाएँ। थोड़ा सा सर ये लगता है कि लोगों में जागरूकता इस प्रकार से फैलेगी, अवेयरनेस आएगी और लोग इस तरीके से जागरूक हो जाएंगे। देखिए, नुक्कड़ नाटक जो है जागरूकता फैलाने का सबसे सशक्त माध्यम है, इसी कारण इस माध्यम को चुना गया है।